हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ओर सोल्यूशन आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे पास तीन पॉइंट है ए बी और सी ठीक यहाँ पे एंगल ए ओ बी सिक्सटी डिग्री है एंगल बी ओ सी थर्टी डिग्री है तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ए डी सी ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो पहले लिख दो कि हमारे पास क्या क्या गिवन है एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू सिक्सटी डिग्रीज ठीक है दूसरा क्या गिवन है एंगल बी ओ सी ये तुम्हारा थर्टी डिग्रीज ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास गिवन है ठीक है बच्चों? क्या आपको फाइंड आउट करना यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ए डी सी ठीक है देखो बच्चों, थ्योरम टेन पॉइंट एट क्या कहती है कि मेरे पास अगर ये आर्क है ठीक है मेरे पास ये आर्क है ऐसी ए बी सी सपोज यहाँ पर ठीक है तो इससे जो भी एंगल सेंटर पे बनेगा यहाँ सेंटर ओ पी जो भी एंगल होगा वो डबल होगा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो भी एंगल बन रहा है ठीक तो है तो यहाँ पर ये देखो आर्क ए बी सी ए है ये सी है दिस इज बी ठीक है यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा बेटा वो डबल होगा सर्कल के कहीं भी अदर पार्ट पे जो भी एंगल बन रहा हो, उसका होगा उसका डबल होगा क्लियर है ठीक है तो हम इसी थ्योरम से क्या करेंगे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों थर्टी प्लस सिक्सटी हो जाएगा 90 ठीक यहाँ वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा क्लियर है तो चलो लिखते हैं पहले हम लोग कि एंगल ए ओ बी ऐसे लिखो बल्कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी ए बी पे जो भी एंगल है वो डबल है जो दूसरे किसी पार्ट पे एंगल बन रहा है ठीक है उसका रीजन क्या है बच्चों ये लिख दो थ्योरम टेन पॉइंट एट और वो थ्योरम क्या कहती है वो पूरी थ्योरम लिखोगे तो और एक्स्ट्रा मार्क्स लिखे मिलेंगे तुम लोग को द एंगल सप्टेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ज डबल द एंगल सब्टेंडेड एट एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ठीक है आगे ये पूरा थ्योरम लिख दो तो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोगों को क्लियर है तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं अभी ये इरेस कर देते हैं हम थोड़ा सा तो देखो यहाँ पर ए ओ सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी ठीक है अब ए ओ बी कितना है तुम्हारा सिक्सटी डिग्रीज बी ओ सी कितना है थर्टी डिग्रीज दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी सी ये दोनों मिला के हो जाएगा नाइन्टी डिग्रीज ठीक है तो मैं इस टू को इधर लिया तो ये डिविजन में हो जाएगा है ना तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा बच्चों फोर्टी फाइव डिग्रीज दिस विल बी योर आंसर ठीक है अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर टू पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कॉर्ड है पी क्यू ठीक है ये कॉर्ड रेडियस के बराबर है मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी ये भी रेडियस है बच्चों और देखो ये भी रेडियस है ओ क्यू तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर पी क्यू तुम्हारी ओ पी और ओ क्यू के बराबर है ठीक है क्लियर है, ये तुम्हारे पास गिवन है अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक मेजर आर्क है ये वाली बड़ी वाली आर्क और एक माइनर आर्क है तो इस पर अगर तुम दो पॉइंट्स लेते हो तो तुम्हें ये वाले एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको एंगल ऑन मेजर आर्क बड़ी वाली जो आर्क है बच्चों उस पर कौन सा एंगल है एंगल ए तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ए दूसरा ये क्या कह रहे हैं जो छोटी वाली आर्क है एंगल ऑन माइनर आर्क पी से क्यू तक ये वाली आर्क है ठीक है इस पर कौन सा पॉइंट है इस पर पॉइंट बी है तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बी ठीक है क्लियर है अब देखो बच्चों अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो यहां पर देखो तुम इन ट्रा पी ओ क्यू ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है बच्चों देखो ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल है तो मैं इसको पी ओ क्यू को इक्विलेटर ट्राइंगल कह दूँ ठीक है और हमको पता है बच्चों कि इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है सारे एंगल बराबर होते हैं मतलब एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस इज इक्वल टू एंगल ए कितना होगा ये सिक्सटी डिग्रीज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से तो बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल आ गया सिक्सटी डिग्रीज़ ठीक है क्लियर है ये एंगल भी सिक्सटी डिग्रीज आ गया ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्रीज आ गया ठीक है अब तुम देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं पी क्यू ये वाली जो आर के पी क्यू आर के ठीक है, है तो हमें पता है एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू डबल एंगल पी ए क्यू ये क्यों होगा बच्चों एंगल पी ओ क्यू इसका डबल क्यों होगा क्योंकि हमने पढ़ा थ्योरम टेन पॉइंट एट क्या है द क्या था तुम्हारा टेन पॉइंट एट का उसका बिल्कुल लैंग्वेज उसका सेम होना चाहिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या लिखोगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended एट एनी अदर पार्ट ऑन द सर्कल subtended एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ठीक है क्या है इसका मतलब कि यहां से जो सेंटर पे जो भी ये आर्क के पी क्यू ये सेंटर पे जो भी एंगल बना रहा होगा वो किसी और जगह पर जो एंगल होगा उसका डबल होगा यही सेम आर की तो हमारा ये वाला एंगल बना रही है ठीक है तो मैं देखो ये थ्योरम टेन पॉइंट एट जिनमें से बुक से भी कॉपी कर सकते हो इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्लियर है ठीक तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं एंगल पी ए क्यू क्या हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू को हाफ कर दो ठीक है ओ क्यू कितना है तुम्हारा सिक्सटी डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा तुम्हारा थर्टी डिग्रीज ठीक है क्लियर है यहाँ पर ये यह आ गया अब तुम ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देखते हैं चलो अब देखो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है यहां पर रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है तो देखो ये वाला जो एंगल है बल्कि इसे रेड से मार्क कर देते हैं हम लोग ये जो एंगल है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल तो इस आर्क पे देखो ये रिफ्लेक्स एंगल बना अंदर एंगल पी बी क्यू बना तो यहाँ से तुम्हारा पी बी क्यू इक्वल हो जाएगा ना कैसे करेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू पहले फाइंड आउट करते हैं ठीक अंदर का सिक्सटी है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी डिग्रीज है ना मुझे अगर बाहर वाला फाइंड आउट करना है तो थ्री सिक्सटी माइनस एंगल बल्कि और लिख लो इसको लिख लो एंगल पी ओ क्यू ठीक है तो और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा माइनस सिक्सटी ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री हंड्रेड डिग्रीज तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला एंगल ये वाला एंगल थ्री हंड्रेड आ गया ठीक अब देखो हमें क्या पता है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है इसका अगेन थ्योरम टेन पॉइंट एट ठीक है तो तुम क्या लिखोगे एंगल पी एंगल पी ओ क्यू बल्कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल एंगल पी बी क्यू कौन सी थ्योरम लगाइए बच्चों बताओ बच्चों थ्योरम टेन पॉइंट एट है ना ठीक है थ्योरम क्या बोलती है वो भी लिख देते हैं हम लोग द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर डबल द एंगल subtended एट एनी अदर पार्ट ठीक है सर्कल ठीक है बच्चों तो यहां से ये थ्योरम समझ में आ गए अब हम लोग क्या करेंगे इसको मैं रब कर देती हूं ठीक तो यहां से एंगल पी बी क्यू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू होगा कि नहीं होगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 300 हंड्रेड डिग्रीज ये कितना हो जाएगा 150 हंड्रेड डिग्रीज ठीक है क्लियर है यहाँ से तुम्हारे पास दोनों एंगल्स आ गए ठीक अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर थ्री पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना है ये कह रहे हैं यहाँ पर एंगल है पी क्यू आर ये हंड्रेड डिग्रीज है ठीक है तो यू हैव टू तो फाइंड आउट एंगल ओ पी आर उस सबसे पहले अब हम क्या करेंगे मेरे पास ये वाला एंगल है हंड्रेड डिग्रीज ठीक है हमको पता है कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होती है किसी और जगह जो आर्क एंगल बनता है तो मैं कह सकती हूँ कि ये अगर हंड्रेड डिग्रीज है बच्चों तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इसका डबल मतलब 200 सौ डिग्रीज हो जाएगा ठीक है क्लियर है ये बात समझ में आ गई तो इसको अब हम प्रॉपर लिख लेते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन है तुम्हारे पास एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्रीज दिस इज गिवन टू यू ठीक है फिर हमको फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी आर यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल उससे पहले अब हम क्या करते हैं तो देखो एंगल क्या लिख दूंगी मैं एंगल पी क्यू आर इस ये डबल है किसके रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल ओ पी आर के रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है बच्चा जो 180 से बड़ा होता है तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा ये हमने पढ़ा है ये कौन सा थियोरम है दिस इज थियोरम 10.8 है ना क्या कहता है 10.8 पॉइंट थियोरम ये भी लिख लो एंगल सबटेंडेड by an arc is double the uh, at center center पर जो है double होता है ठीक है center पर बड़ा angle होगा is double the center angle subtended by arc is double at the center ठीक है क्या है इसकी सही language is double the angle angle subtended at एनी अदर पार्ट at एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कल ठीक है किसी और पार्ट पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो दुगना होगा सेंटर वाला जो है वो डबल होगा ठीक है क्लियर है यहाँ तक समझ में आया अब मैं क्या करती हूँ इसको जो है वो इरोज इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये तो जो है थ्योरम टेन पॉइंट एट है आप कॉपी से बुक से भी इसको कॉपी कर सकते हो ठीक चलो अब यहाँ पर देखो बच्चों एंगल रिफ्लेक्स एंगल लिखोगे तुम लोग है ना क्योंकि ये बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा टॉइस ऑफ एंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा टू इन टू हंड्रेड ये यह हो जाएगा यहाँ से टू हंड्रेड डिग्रीज ठीक है क्लियर है तो ये तो निकल के आगे दो सौ डिग्रीज राइट अब हम अंदर की बात करते हैं पी ओ आर ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बच्चों एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 360 सिक्सटी माइनस रिफ्लेक्स एंगल है ना ऐसे ही तो होता है अंदर वाला क्या होता है रिफ्लेक्स इसको माइनस कर दो 360 में से तो मेरे पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड ये हो जाएगा 160 सिक्सटी डिग्री तो मेरे पास अब ये ये वाला एंगल आ गया आपके पास 160 सिक्सटी डिग्रीज ठीक है क्लियर है अब देखो बच्चों ट्रा पी ओ आर ये जो ट्राइंगल है पी ओ आर हमको पता है ओ पी इज इक्वल टू ओ आर क्यों क्योंकि दोनों रेडियस हैं ठीक है थीके? इसका मतलब क्या है दोनों एंगल भी सेम होंगे ठीक है इसको भी मैंने लेट एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एक्स डिग्रीज इसका मतलब ये भी किसके इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के दोनों एक्स एक्स डिग्रीज हो जाएंगे ठीक हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 एटी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी ये रीजन जरूर दे दिया करो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो ठीक है तो यहां से ये भी एक्स है आर भी एक्स है और ये एंगल कितना आया था 160 डिग्रीज है ना तो देखो यहाँ से 2x एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस सिक्सटी बच्चों ट्वेंटी डिग्रीज ठीक x प्लस एक्स टू एक्स वन एटी माइनस सिक्सटी हो जाएगा 2x x कितना आ गया तुम्हारा 10 डिग्रीज दिस वॉज एक्चुअली आज इन द क्वेश्चन क्या आपको एंगल ओ पी आर निकालना है जो तुम्हारा 10 डिग्री हो गया क्लियर है ठीक है वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशन